जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में अगर आप भगवान शंकर जी को इस फूल को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आखिर इस फूल से आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होगी और कैसे धन की समस्याएं समाप्त होगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और सारे उपायों को ध्यान से समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना। अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग भोलेनाथ के आशीष कृपा अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, सनातन धर्म में श्रावण के महीने का विशेष महत्व माना जाता है। हम सभी को पता है कि हम लोग बहुत ही बचपन से देखते आ रहे हैं कि श्रावण, जब श्रावण का महीना होता है तो लोग जो पुरुष होते हैं वो लोग बोलबम जाते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो श्रावण का व्रत रखती हैं। ठीक है, इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा भी किया जाता है, साथ ही साथ उपासना भी की जाती है। यानी कि जो महिलाएं होती है, जो पुरुष होते हैं, वो लोग इनका व्रत करती उपवास रहती हैं। ठीक है, कुछ खाने पीने का योग्य नहीं होता, यानी कि वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ भगवान शिव के नियमित सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। कहने का मतलब है हर सोमवार को शंकर जी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यानी कि बहुत से दिनों तक आप बहुत सी मनोकामनाएं लेकर के परेशान हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो आप श्रावण के महीने में अपनी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करा सकते हैं। ठीक है, श्रावण सोमवार करने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य, साथ ही साथ संतान की प्राप्ति होती है। यानी कि जो महिलाएं विवाहित हैं उन लोगों को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। वहीं अगर बात करें जो अविवाहित, यानी कि जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, अगर वो लोग श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा पाठ करते हैं तो उनकी शादी का योग बहुत जल्दी बनने लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ भगवान शंकर यानी कि शिव जी आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो आप लोग श्रावण के महीने में इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारी मुसीबतें दूर हो जाए तो आपको श्रावण के महीने में यानी कि हर सोमवार के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। देखिए, पहला उपाय जो है धन प्राप्ति के लिए है। अगर आपके आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा खराब है, आपके घर में पैसे टिकता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, सारी उपाय आपको सोमवार के दिन करना चाहिए क्योंकि श्रावण का महीना है, आप सोमवार के दिन करते हैं तो आपको विशेषकर यहाँ पर लाभ होगा, अगर श्रावण के महीने में आप करते हैं यानी कि सोमवार के दिन तो। ठीक है, देखिए, अगर आप आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, श्रावण के सोमवार पर, ध्यान रखना जो श्रावण का महीना चल रहा है, सोमवार के दिन आपको भगवान शिव को क्या करना है, भगवान शिव को धतूरा अर्पित करना है। तो धतूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, तो इसे ही धतूरा बोला जाता है। तो आप इस धतूरा को भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ठीक है, देखिए, जब अर्पित करेंगे पूजा समापन के पश्चात अर्पित धतूरे को, जो आपने धतूरा यहाँ पर समर्पित किया चढ़ाया है शंकर जी को, आप उस धतूरे को लेकर के घर पे आएंगे और जब आप घर पे लेकर के आते हैं तो उसे आप अपने तिजोरी में रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे, तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहीं पर रख देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके आय में वृद्धि होगी, जो पैसा होता है वो पैसा बहुत ज़्यादा आपके घर में आने लगेगा, आप पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। चलिए अब आपको हम दूसरा उपाय बताते हैं। देखिए, दूसरा उपाय कैसे करना है, बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं, बहुत से पुरुष ऐसे हैं जिनके संतान नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दवा करा चुके हैं लेकिन उनको संतान नहीं पैदा होने, यानी कि संतान प्राप्ति का ये उपाय होने वाला है। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए, नवविवाहित महिलाएँ ध्यान रखना श्रावण सोमवार पर देवों के देव महादेव को धतूरा अर्पित करती हैं। ठीक है, तो अगर वो धतूरा अर्पित करती हैं तो भगवान शंकर को धतूरा अर्पित करने से, ध्यान रखना क्या करना है, धतूरा जब आप अर्पित करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ शंकर जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं है तो आप भगवान शंकर को धतूरा अर्पित करेंगे जिससे संतान की सुख की प्राप्ति होगी, ध्यान रखना। या फिर आप श्रावण सोमवार पर भगवान शिव को धतूरा अवश्य अर्पित करें, यानी कि कहने का मतलब है श्रावण का जो सोमवार होता है आपको उस दिन यहाँ पर शंकर जी को धतूरा अर्पित करना है। अगर आप धतूरा उस दिन अर्पित करते हैं तो घर में जिसको भी यहाँ पर संतान प्राप्ति की आवश्यकता है, संतान प्राप्ति चाहिए, तो उसको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद वहाँ पर जरूर मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं, अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगला उपाय जो है दुख नाशक उपाय है, ध्यान रखना। आज के समय बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, वो लोग दवा कराते कराते थक चुके हैं लेकिन उन लोगों का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप भी परेशान हैं तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कैसे करना, देखिए, अगर आप जीवन में दुख और संकट से यहाँ पर निजाना प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि मुक्ति चाहते हैं तो आपको कैसे उपाय करना है, तो आपको श्रावण के सोमवार पर, ध्यान रखना सब, आपको श्रावण के सोमवार पर उपाय करना है। श्रावण के सोमवार का दिन जब हो तब आपको धतूरे के जड़ को
आपको बाएं हाथ की कलाई में बांधना है, यानी कि जो तुरई का जड़ होता है आपको उस जड़ को लाना है। और सोमवार के दिन सावन का महीना होना चाहिए, आप अपने बाएं हाथ की कलाई में आपको इसे बांध देना है, ठीक है। जब आप बांधते हैं, जब आप इस उपाय को करते हैं, तो आप देखेंगे सुख और संकट दूर हो जाएंगे, यानी कि जो दुख होता है और संकट होता है, सारे सुख दुख और संकट आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से ये उपाय करना है। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं, अगला उपाय आपको कैसे करना है। देखिए, बहुत से घरों में बुरी शक्तियों का वास होता है। देखिए, जब बुरी शक्तियों का वास होता है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, आपके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो आपको यह उपाय उस समय करना है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप लोग उपाय करिए। देखिए, अगर आप बुरी शक्तियों से परेशान हैं, तो आपको कैसे उपाय करना है, तो आपको सावन सोमवार पर भगवान शिव को धतूरा अर्पित करना है। क्या करना है, धतूरा ले आइए और सावन सोमवार पर आपको शंकर जी को इस धतूरा को अर्पित कर देना है। साथ ही साथ जब आप धतूरा को अर्पित करेंगे, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना है। तो आप गूगल से कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप इसे इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जब आप इसे करते हैं, तो इस उपाय को करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक शक्ति, जो नकारात्मक होती है, सारी शक्तियाँ दूर हो जाती है। साथ ही साथ बुरी शक्तियों का यहाँ पर वास जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पर चार उपाय बताए हैं, चार उपाय आपको सावन सोमवार के दिन करना है। तो आपको जो भी उपाय अच्छा लगे, आप वह उपाय अवश्य करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताइएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और से महिलाओं और पुरुषों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, हर हर महादेव।